नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार, आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज़। खबरों के सफर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बात करते हैं सोशल वर्किंग के बारे में। आज हमारे साथ में मशहूर सोशल वर्कर बॉबी कटारिया जी मौजूद हैं और सोशल वर्किंग से क्षेत्र से निकलते हुए राजनीति क्षेत्र में सबने कदम रखा है, तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से उनकी ये सोच रही और आगे के लिए रणनीतियाँ उनकी क्या हैं। स्वागत है सर आपका बहुत। और जिस तरीके से आप सोशल वर्किंग के लिए जाने जाते हैं, तो सबसे पहले मैं सवाल यही लेना चाहूँगा कि ऐसा कब आपको लगा कि आपको सोशल वर्किंग करनी चाहिए? जी सर, जी सोशल वर्किंग तो देखते देखते गरीब काफ़ी परेशान रहते हैं, तो सड़कों पर चलते चलते देखते थे कि इसको इंसाफ नहीं मिल रहा। कोई माँ है बेचारी, वो हाय उल्ला करके रोती पड़ी रह जाती है, FIR दबी की दबी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं से हमें भी अंदर से ये फील हुआ, क्यों ना हम समाज के लिए उठें, हम कार्य करें। आज के दौर में लोग अपनों के लिए नहीं करते हैं, आप तो गैरों के लिए केस मुकदमे और लोगों से झगड़ा मोल लेते हैं। ऐसे में आपको खुद अपनी जान के लिए कुछ नहीं लगता कि कहीं कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए? जी देखिए, ऊपर वाले ने भेजा है, ऊपर वाला अपनी मर्जी से उठाएगा जी, और ऊपर वाला जाने। अच्छा, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, सोशल वर्किंग से निकलते हुए राजनीतिक जो आपका सफ़र है, जो आप करियर बनाना चाहते हैं इसमें आए हैं, तो क्या रणनीतियाँ हैं इस बार आपकी? जी देखिए, मैं कैरियर नहीं बनाने के लिए आया, ना ही मैं कोई नेता बनने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ इस गंदगी में इसलिए उतर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो हम सोशल वर्किंग कर रहे हैं उसमें बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं। हम 90% तो काम कर बैठते हैं, लेकिन 10% कहीं ना कहीं रुकावट पॉलिटिकल इशू की वजह से आ जाती है, पावर नहीं है। तो आप किस तरीके से अब फरीदाबाद विधानसभा में आप खड़े हैं, लोकसभा के आप कैंडिडेट हैं, किस तरीके से आपने रणनीतियाँ बनाई हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि दिग्गजों से आपका मुकाबला है? जी देखिए, मुकाबला किसी से भी हो, भगवान ने जब उतारे हैं लड़ने के लिए, ना तो हम समाज सेवा करने में डरे और ना ही हम फिर चुनाव लड़ने में डरेंगे। फिलहाल तो देखिए, दिग्गज कैसे भी आए, बहुत कितने बड़े बड़े डॉन हैं बाहर, ये नेता लोग से ही बनते हैं, नहीं तो ऐसे कौन क्या हो सकता है, ये बताइए आप। अच्छा। यहीं से ही तो निकलेंगे, प्रशासन के हाथ से ही निकलेगा व्यक्ति। साफ तौर से आप देख रहे हैं कि इनका यही कहना है कि नेता जो लोग हैं उनसे ही ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में वो नेता नगरी करने नहीं बल्कि समाज को एक संदेश देने आए हैं, और नेता नगरी के माध्यम से ही सोशल वर्किंग भी वो करेंगे। आगे की रणनीतियों के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे किस तरीके से जब ये सांसद बन जाएंगे तो क्या इनके मुद्दे हैं जिन पर ये काम करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुद्दे क्या हैं आपके जिन पर आप काम करना चाहेंगे सांसद बनने के बाद में? जी देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं सांसद बनता हूँ तो पूरा फरीदाबाद सांसद कहलाएगा, हर एक बंदा सांसद कहलाएगा। और रही बात रणनीतियों की, और जो हमारे जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, जैसे BK हॉस्पिटल है, ना ही सुविधाएँ हैं, ना लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, कुछ नहीं है, ना अच्छे डॉक्टर, क्यों रेफ़र किया जाता है एम्स में? तो कहीं ना कहीं हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर डाला जा रहा है लेडीज़ पे, उस पर सेफ्टी के लिए, कहीं ना कहीं हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि यहाँ रेप हो गया, उस लड़की को छेड़ दिया, उस लड़की को छेड़ दिया, क्यों ऐसा? बड़खल झील ले लो, बड़खल झील अगर तैयार होती है तो कितने बंदों को, कितने हजारों सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, हमारे भाइयों को, क्यों नहीं तैयार की जा रही? क्यों पर्यावरण ख़राब किया जा रहा है, कितना दूषित हो रखा है, कितना जाम है पूरा फरीदाबाद में, आप खुद देख लीजिए। और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेडियम है लेकिन सुविधाएँ नहीं हैं। यहाँ पर एक बार ये बात बताइए, यहाँ पर मैचेस क्यों नहीं होते फरीदाबाद? हरियाणा में क्यों नहीं हो पाते? दिल्ली में हो पाते हैं, पंजाब में हो पाते हैं, हरियाणा में क्यों नहीं हो पाते IPL वगैरह, या कोई इंटरनेशनल मैच ले लीजिए, क्यों नहीं हो पाते? काफ़ी मुद्दे हैं जिसका रजिस्टर के पन्ने पे लिखा जाए तो सारे दिन पन्ने पे यहाँ से गिनवाते ही चले जाएंगे। तो अहम मुद्दा लड़कियों का फिलहाल तो उनकी सेफ्टी के लिए हम कोई ना कोई जल्दी, अगर हम नहीं भी बनते हैं, कुछ ना कुछ हम सेफ्टी प्रोवाइड इस जरिए से करवाएंगे जिससे हमारे 5-7 भाई उस फ़ोन के जरिए उस लेडीज़ तक पहुंच सके, 5 से हार्डली 10 मिनट्स में कुछ फ़ोन नंबर अवेलेबल करवाए जाएंगे हमारे।
ये तो था सर महिला सुरक्षा जो कि आपने बताया, बहुत ही अच्छा आपका मुद्दा है। और इससे अतिरिक्त दो मुद्दे और हैं जिस पर और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, एक तो स्वास्थ्य का है, दूसरा शिक्षा का है। इन विषयों पर क्या आपकी राय है, किस तरीके से काम करेंगे आप? जी देखिए, हम चाहते हैं कहीं ना कहीं होटल पलवल साइड में, देखिए सरकारी स्कूल बहुत कम है, हम उन सरकारी स्कूलों को मतलब कि अच्छे टीचर्स, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा के हम शिक्षा अच्छी तरह से प्रदान कर सकें। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल्स भी बनाते हैं, हम प्राइवेट स्कूल्स भी बनवाते हैं, तो उसमें भी हम कम से कम ये रखेंगे कि लाखों की तादाद में जो बच्चे होंगे, हम उनकी फ्री सेवा, फ्री पढ़ाई, सब कुछ अरेंजमेंट करवाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे साथ में मशहूर सोशल वर्कर बॉबी कटारिया जी, जिनके चर्चे, जिनकी वीडियोस आप देखते रहते हैं, जिनकी सोशल वर्किंग से आप बखूबी रूबरू हुए हैं। और आज फरीदाबाद लोकसभा से ये क्षेत्रीय सांसद पद के लिए खड़े हैं। और चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या कोई निर्दलीय पार्टी है या कोई क्या, किस पार्टी से आप खड़े हैं? जी सर जी, निर्दलीय पार्टी से खड़ा हुआ हूँ और ये मेरा चुनाव चिन्ह है, कैलकुलेटर, जिसमें सबका हिसाब होगा, बराबर होगा। आपका तो चुनाव चिन्ह भी आपकी सोशल वर्किंग के अनुसार है कि सबका हिसाब होगा, बराबर होगा। मौजूद है हमारे साथ में बॉबी भाई के सहयोगी हैं, राजीव इनका नाम है, चलिए उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से बॉबी भाई को सपोर्ट करते हैं और आगे के लिए क्या रणनीतियां हैं, क्योंकि सांसद पद के दावेदार बॉबी कटारिया जी फरीदाबाद क्षेत्र से इस बार खड़े हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि किस तरह की रणनीतियाँ उन्होंने तैयार करी हैं बॉबी जी के लिए। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत, किस तरीके से आगे की कार्रवाई जो है आप वो करेंगे, क्योंकि चुनाव चिन्ह भी आपका कैलकुलेटर है, तो हिसाब किस तरीके से रखेंगे आप? देखिए, कैलकुलेटर का चुनाव चिन्ह जो है हमारा, और जो हमारा स्लोगन है कि सबका हिसाब करेंगे, उसका तात्पर्य यही है कि जो भी सिस्टम में जो प्रचलन है करप्शन का, सरकारी विभागों में जो भी करप्शन के जो मामले सामने आते हैं उनको कम किया जाएगा। बेसिकली मैसेज यही देना चाहते हैं कि वी विल ट्राई टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये हमारा जो स्लोगन है उसका अर्थ ये है, उसका तात्पर्य ये है। सर, ये जो आपने बताया करप्शन को कम करने के लिए, इसका आधार क्या है, किस तरीके से आपने कुछ रणनीतियाँ तैयार करी हैं या क्या माध्यम है इसका कुछ? देखिए, बॉबी कटारिया शुरू से ही सोशल वर्कर रहे हैं और करप्शन के खिलाफ शुरू से ही लड़ते रहे हैं। जो इनकी पहली लड़ाई शुरू हुई थी वो पुलिस विभाग की करप्शन के साथ में शुरू हुई थी, ट्रैफिक पुलिस हो गया या थाना पुलिस हो गई, जहाँ पर FIR होती थी या ट्रैफिक पुलिस वाले नाजायज तरीके से चलान काटते थे, रिश्वत खाते थे, तो इनकी पहली लड़ाई करप्शन से ही शुरू हुई थी। तो इनको अच्छी तरीके से हैंडल करना आता है अधिकारियों को, और इनके नाम से लोग डरने लगे थे और रिश्वत लेने से घबराने लगे थे। तो बेसिकली जो रणनीति है वो यही है कि अगर सिस्टम से करप्शन दूर कर दी जाए तो सिस्टम अच्छे से काम करेगा, बीमारी की तरह काम नहीं करेगा। मोस्टली अगर बात की जाए तो इस बार जो दावेदारी है इनकी करप्शन के खिलाफ है, करप्शन को लेकर है कि किस तरीके से करप्शन को ख़त्म करना है, और महिला सुरक्षा और जो अन्य मुद्दे गिनवाए उनको लेकर। बेसिकली अगर किसी भी सिस्टम से आपकी जो सिकनेस है, जैसे करप्शन हो गया या 100% कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं सरकारी अधिकारी, अगर इन चीज़ों को ठीक कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं, राजीव जी ने बताया हमको कि जिस तरीके से वो करप्शन के खिलाफ कई सालों से लड़ाई अपनी लड़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर इस बार फरीदाबाद क्षेत्र से सांसद पद के दावेदार बॉबी भाई के रूप में उतर के आए हैं। और इसी के साथ अपने दोस्त गिरीश को ने इजाज़त, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे क्राइम अटैच न्यूज़।